तो अब देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं बता देता हूं। ये हो गया लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। ये इतना सा रिलेशन ऑपरेटर, ठीक है। इससे पता, इसका एग्जांपल दे देता हूं, सब तो आपको दिख ही रहा होगा। जैसे कि 5 लेस देन इक्वल टू 10, इसका यूज 10 ग्रेटर देन 5, इसका यूज 5 लेस देन इक्वल टू, यानी कि 5 से, 5 जो है छोटा है और बराबर है, छोटा या बराबर है किसके, तो 10 ही मान लेते हैं। तो ये भी सही है कंडीशन, क्योंकि 5 जो है 10 से छोटा भी है, छोटा है, या तो कंडीशन ट्रू होने के लिए क्या, या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो छोटा तो है नहीं, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। अगर यही ऐसे हो जाता तो ये फॉल्स हो जाता। कैसे? क्योंकि 10 बराबर भी नहीं है 5 के और ना ही 5 से छोटा है, ठीक है। तो इसी तरह इसका भी यहाँ पे देखते हैं, नॉट इक्वल टू, तो 5 नॉट इक्वल टू 10, ये भी ट्रू करेगा रिटर्न। यहाँ डबल इक्वल टू 5, डबल इक्वल टू 5, ये भी ट्रू करेगा। अगर उसी तरह अगर हम लिखते हैं 5 डबल इक्वल टू 4, तो ये तो फॉल्स है। उसी तरह लिखते हैं 5 नॉट इक्वल टू 5, तो ये तो हमारा, ये भी फॉल्स है, क्योंकि ये तो इक्वल है, ठीक है। तो यही रिलेशन ऑपरेटर। ये सब देखते हैं ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो ऑपरेटर तीन तरह का, लॉजिकल ऑपरेटर तीन तरह का होता है, ठीक है। पहला लॉजिकल एंड लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, तीनों को तीन तरह से डिवाइड कर देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ सब खेल ट्रू फॉल्स का है, ठीक है। अगर कोई स्टेटमेंट कहाँ, कब वो स्टेटमेंट ट्रू होगा, कब वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा, वही देखना है इसमें लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट में, ठीक है। तो लॉजिकल एंड में ये है कि जैसे कि अगर जो भी दिया हुआ स्टेटमेंट, ठीक है, इफ ऑल, इफ ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, देन इट रिटर्न्स ट्रू। अगर सारा स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, सही है, ओके। बाद उसके बाद इफ लॉजिकल और में बात करते हैं, तो इफ एनी स्टेटमेंट्स इज ट्रू देन इट रिटर्न्स ट्रू। यहां पे देखिए दो छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। यहां पे इफ ऑल स्टेटमेंट्स, इफ एनी स्टेटमेंट्स, मान लेते हैं, एक एग्जांपल से समझाते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, सॉरी
10 is greater than 5, 6 is less than 10, 9 not equal to 8. इस कंडीशन में अगर हम लॉजिकल एंड लगाते हैं यहाँ पे, सॉरी मेन चीज नहीं बताया आपको, इसका साइन होता है डबल एंड, इसका साइन होता है लॉजिकल और का, लॉजिकल नॉट का साइन होता है, ठीक है साइन से फाइव ग्रेटर देन टू एंड टेन लेस देन इक्वल टू 20 एंड 5 नॉट इक्वल टू 6. ये जो कंडीशन दिए लॉजिकल एंड का कंडीशन है. अब यहां पे ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा वो देखते हैं. 5 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है. इस लॉजिकल एंड का ट्रू रिटर्न करने का क्या है पॉसिबिलिटी, अगर सारा स्टेटमेंट ट्रू होता है तो पहला ट्रू है 10 लेस देन इक्वल टू 20 या 10 20 से छोटा है या बराबर है, तो 10 छोटा भी है, ठीक है, तो ये भी ट्रू है. 5 नॉट इक्वल टू 6 तो ये भी ट्रू है. तो यहाँ पे कंडीशन आएगा, यहाँ पे इसका कंडीशन रिटर्न आएगा ट्रू, यानी कि ये स्टेटमेंट पूरा ट्रू है. और अगर बात करते हैं लॉजिकल और का, तो यहाँ पे 5 नॉट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और 20 और 5 नॉट इक्वल टू 5. अब यहाँ पे लॉजिकल और का कंडीशन दिए हैं, ये कंडीशन लॉजिकल और, इसके क्या कंडीशन है, इफ एनी स्टेटमेंट, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी एक सही हो जाएगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा. यानी कि यहाँ पे देखते हैं 5 इज लेस देन 2 यानी कि ये गलत है. यहाँ पे देखते हैं 5 नॉट इक्वल टू 5 ये भी गलत है. यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 लेस देन इक्वल टू 20 यहाँ पे ट्रू आ रहा है, यानी कि दो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है लेकिन एक स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, तो ये लॉजिकल और में ट्रू रिटर्न करेगा. यहीं से पता चलता है कि लॉजिकल एंड या ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है. लॉजिकल और में ये ट्रू होना चाहिए या ये ट्रू होना चाहिए या ये ट्रू होना चाहिए, तो ट्रू रिटर्न करेगा. यहाँ पे लॉजिकल नॉट का केस क्या है, अगर इफ इफ स्टेटमेंट इज ट्रू then it returns false and vice versa, ठीक है. तो इसका भी एक कंडीशन देख लेते हैं इधर. जैसे कि यही स्टेटमेंट को लेते हैं 5, सिंपल से पहले समझते हैं, ये नॉट लगा दिया है, तो यानी कि पहले ये चेक करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो 5 ग्रेटर देन 2 यानी कि ये अंदर वाला स्टेटमेंट ट्रू है, आगे में नॉट लगा हुआ है, यानी कि ये क्या रिटर्न करेगा हमको, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है. उसी तरह थोड़ा बड़ा करते हैं, 5 not equal to 2 and 6 greater than equal to 3 और बाहर में not लगा हुआ है. तो पहले देखें कि अंदर वाला स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है. तो यहाँ पे 5 not equal to 2 यानी कि 5 2 के बराबर नहीं है, तो ये सही है. 6 greater than equal to 3 ये भी सही है, यानी कि अंदर वाला स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, और ये बाहर में नॉट लगा हुआ है तो इसका रिटर्न क्या आएगा, फॉल्स आएगा. उसी तरह अगर अंदर का स्टेटमेंट फॉल्स है, 5 नॉट इक्वल टू 5 और 6 ग्रेटर देन
8 और बाहर में नॉट लॉजिकल नॉट लगा हुआ है, तो अंदर का कंडीशन पहले चेक करेंगे, 5 नॉट इक्वल टू 5 फॉल्स है, 6 ग्रेटर देन 8 ये भी फॉल्स है, तो अंदर फॉल्स आ रहा है लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है लॉजिकल नॉट, यानी कि ये क्या रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करेगा। तो गाइज होप यू अंडरस्टैंड, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।